आइए आइए, समीर को लगता है प्रेडिक्शन का गेम वो जीतेगा। मैं यहाँ बैठे बैठे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो क्या कर रहा होगा वैनिटी वैन में। अभी मिरर के सामने देखकर कह रहा होगा, I am the best। और अपनी जुराबों में वो कंफ्यूज होगा कि कौन सी पहनूं। अभी वो फोन लगा के पूछेगा कि हैदराबाद और बैंगलोर में कौन जीतेगा। ओके मॉम, सी यू लेटर, बाय। अब निकलेगा वैनिटी वैन से और वो यहाँ पर आकर खड़ा होगा, 4, 3, 2, 1, here we go। क्या कहा था मैंने आपको, देखो आ गया सैम। वीरूपा जी, मुझे पता था कि आप पता लगा रहे हैं कि मेरा पता क्या है। अच्छा, लेकिन मैं आपको पता दूं, यानी कि बता दूं क्या कि मेरा पता वो है जो आपका पता है। जब टूर्नामेंट के दौरान आप और हम मिल बैठेंगे तो मिल बैठेंगे पावर प्ले विद चैंपियंस पे। तो स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सैम क्या बात है। Alright people, get charged up, get ready, क्योंकि है eliminator time। बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में ऐतिहासिक युद्ध, और ये होगी अबू धाबी में। एक टीम बढ़ेगी आगे, एक टीम घर जाएगी, लेकिन हम आपको देंगे 6 सवाल। उन 6 सवालों में से अगर आपने 3 भी आंसर कर दिए तो आपको मिलेंगे शॉर्ट शॉट इनाम। बहुत क्लोज हैं आप लखपति बनने के, तो लगाइए प्रेडिक्शन का एडिक्शन ओनली ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। पहला सवाल आता हुआ इस बड़े मैच पे आपके सामने, विल हैदराबाद लूज अ विकेट इन द पावर प्ले, यस और नो? हैदराबाद लूज करेगी विकेट या नहीं? वीरूपा जी क्या लगता है आपको, ये जो ओपनिंग पारी रही है हैदराबाद की, चाहे वो पहले बेयरस्टो भाई थे पिछले साल के या इस साल, जिनको सहा नहीं जा रहा है रिद्धिमान साहा और साथ में डेविड वार्नर, क्या लगता है आपको 6 ओवर पार कर पाएंगे बिना विकेट खोए? बिल्कुल, बड़े आराम से। कंफर्म कह रहे हैं आप सर? बिल्कुल। और ये सर साहा क्या निकल के आए, इनकी हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जब ओपनिंग स्लॉट मिला है तो भाई वार्नर से कंधा मिलाकर खेलते हैं। बिल्कुल सैम, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जो मैनेजमेंट में होता है ना, कोई जिसको आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते ना, वो भी एक ऐसा सजेशन दे जाता है कि जो बड़े काम का निकलता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जब मैं पंजाब का कोच था तो उस समय हमारे एक कंप्यूटर एनालिस्ट होते थे जी, आशीष तुल्ली, उन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट किया गया कि वीरू बाजी वृद्धिमान साहब से ओपनिंग कराइए, मुझे लगता है कि हम उनको नीचे खिलाते हैं और वो वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई सजेशन अच्छा है, तो मैंने उनको ओपनिंग कराई और उन्होंने बॉम्बे के खिलाफ जड़ दिया शतक जी। और मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ सजेशन दिया होगा हैदराबाद के किसी मैनेजमेंट के बंदे ने पीवीएस लक्ष्मण को या उनके कोच को, और वो ले आए वृद्धिमान साहब को ओपनिंग कराने। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये कहना पड़ेगा कि हैदराबाद की टीम ने बाकी तीनों प्लेऑफ टीम्स को हरा कर यहां पर जगह पाई है, तो ये कहना पड़ेगा कि शानदार टीम, बड़ी टीम, और ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इनकी, ये कमाल दिखाती हुई। बड़े भाई कह रहे हैं कि विकेट नहीं गिरेगी, तो मैं बड़े भाई के साथ में हूं कि विकेट नहीं गिरेगी। सर पार्टनरशिप उनकी बरकरार रहेगी जैसे हमारी पार्टनरशिप चलती जा रही है। दूसरा सवाल, हो जाइए तैयार, और ये दो बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स के ऊपर है, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों के ऊपर है, डेविड वार्नर विराट कोहली। बड़ा कांटे का मुकाबला होना इन दोनों के बीच भी और इनकी टीमों के बीच भी। 529 बनाए हैं वार्नर ने, ओके 460 बनाए हैं विराट कोहली ने, दोनों इस मैच में उतरेंगे, कौन बनाएगा ज्यादा रन, कौन देगा अपने फैंस को ज्यादा फन? मुझे लगता है कि डेविड वार्नर, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, डेविड वार्नर ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि उधर एक एक्स फैक्टर है जिसका नाम है राशिद खान, जो बहुत बीच के ओवर में आता है जब कोहली खेलेंगे, और वो उसको पिक करना थोड़ा हो जाता है मुश्किल। सर फिर से सहमति जो है ना यहाँ पर आपकी तरफ जाती हुई, मतलब तू ऐसा मत कर यार, मतलब माना तू टॉप पे आ गया है, हाँ बदल ले सर कोहली से। वेरी गुड सर, वो आपने गोली नाम दे दिया तो फिर कोहली के साथ, नो डाउट वो गोली तो है जी, और जब वो दौड़ते हैं विकेटों के बीच में ऐसा लगता है कि पेट्रोल पी कर आए हैं। बिल्कुल सर, मेरा आंसर जिप करके है भाई विराट कोहली, आपका क्या है? Who will score more runs between David Warner and Virat Kohli? Two champion batsmen for their team, और दोनों टीम इन बैट्समैन पर निर्भर, दोनों कप्तान उतरेंगे मैदान में अपनी टीम को जिताने के लिए। भाई मौका ही ऐसा है, अगर हार गए तो टीम वापस घर जाती है। आप घर पे बैठे बैठे खेलते रहिए। जहां पर बल्लेबाजों की बात हो गई, तो अब यार दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स की बात करते हैं,
उस आदमी से जो स्पिनर्स को खिलाड़ी मानते ही नहीं है, लेकिन अब मानना शुरू कर गए बाकी के खिलाड़ी। सर राशिद खान, युजवेंद्र चहल, ये जो मैच आप देख रहे हैं आप, ये कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के दो सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, दोनों बेहतरीन हैं, अपनी टीमों के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ युजवेंद्र चहल से, क्योंकि वो उनके पास वो एक्स फैक्टर नहीं है कि उनको कोई पढ़ ना सके या उनकी गेंदें इतनी ऐसी गिरती हैं कि बैट्समैन समझ ना सके। सिंपल है, एक्शन बड़ा आसान है, लोग देख सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन उसके बावजूद भी वो बल्लेबाजों के दिमाग से खेलते हैं, शतरंज के मोरों की तरह अपनी गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। सर सवाल विकेटों का नहीं है, सवाल रन्स का है कि कौन कम रन देंगे, हु विल कंसीड लेस रन्स। राशिद खान की इकोनॉमी सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट में इस साल रही है, किस तरफ जाएंगे भाई? मैं राशिद खान। राशिद खान सर ऑल द वे। हाँ मेरे से सहमत है ये, और आप भी सहमत हो जाइए। हाँ सैम को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इशारे कर रहा है उसमें यही है कि मैं पाजी के साथ जाऊंगा, आप भी मेरे साथ आ सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर, वो वेट कर रहे हैं। चल अमित चल आप, हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पर, मैंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया, एज ऑलवेज आई डू, हु विल कंसीड लेस रन्स बिटवीन राशिद खान एंड युजवेंद्र चहल, क्या कहते हैं आप भाई? दोनों कमाल के बॉलर और दोनों के चार ओवर जो होंगे वो एकदम क्रूशल अपनी टीम के लिए, क्रूशल। अगला सवाल, चौथा सवाल, दो और सवाल बचे हैं इसके बाद, और ये जुड़ा है बाउंड्रीज से लेकर। तो भाई दोनों टीमों में से वो कौन सी टीम होगी जो ज्यादा बाउंड्रीज मारेगी, यानी कि ज्यादा फोर्स और सिक्सेस? बैंगलोर, मुझे लगता है कि हैदराबाद मारेगी। ऑल द वे, ऑल द वे, बैंगलोर सर ऑल द वे। बिल्कुल बैंगलोर, बैंगलोर हैदराबाद, भाई आप क्या कह रहे हैं? विच टीम विल स्कोर मोर बाउंड्रीज, विच टीम विल स्कोर मोर बाउंड्रीज? आइए आइए, हैदराबाद बैंगलोर, फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है, पॉइंट्स टेबल पे भी हम दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला चल रहा है, यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शंस काफी सही भी हो रही है, तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं, उस तरफ इस तरफ आइए। सर एक फैंस का सवाल है विराट कोहली को लेते हुए, हालांकि अपने प्राइम फॉर्म में है, हिंदुस्तान के कप्तान है, लेकिन इनके जाने के बाद जब ये जाएंगे तो इनके बाद कप्तान कौन बनेगा, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो फ्यूचर कैप्टन केएल राहुल नजर आ रहे हैं, कड़क लौंडा। बिल्कुल फिलिंग करेगा शूज सर विराट कोहली के, या एक अलग तरीके की कप्तानी निभाएगा? देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब सौरव गांगुली कप्तान बने थे तब सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई कौन नया कप्तान आएगा, क्या सौरव गांगुली के शूज फिल कर सकते हैं वो, लेकिन उसके बाद MS धोनी आए, वो तो सौरव गांगुली से भी आगे चले गए, वर्ल्ड कप T20 भी जीते, 50 ओवर भी जीते, टेस्ट में नंबर वन भी बने, और चैंपियंस ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, तो वो उनसे भी आगे चले गए। फिर अब ये था कि क्या कोई ऐसा कप्तान आएगा जो MS धोनी के शूज़ को फिल कर सकता है, कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पिछले कप्तान ने अचीव किया होता है मुश्किल होता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ फ्यूचर के कप्तान KL राहुल हैं और भविष्य भारत का सेफ हैंड्स में है। सुन लिया आपने, वीरू बाजी ने कह दिया है, बट ये क्या सवाल था? नहीं सवाल नहीं सर, ये मतलब कि एक फैन का सवाल था जो हमसे पूछ रहे थे सर। अगला सवाल आपके सामने देवदत्त पडिकल को लेकर, और ये है स्लाइडर सवाल, 0-100 की रेंज है आपके सामने, भाई कितने रन बनाएंगे? कंसिस्टेंट खिलाड़ी सर, ये उतर के आए हैं यहाँ पर, कंसिस्टेंट है काफी, चार अर्श तक बना चुके हैं शायद इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है कि 50 कंफर्म बनाएंगे, थर्ड लीडिंग रन स्कोरर हैं टूर्नामेंट के अंदर, 57 कह रहे हैं आप सर, आई विल से सर 65। जहां पर एक टीम हारी तो निकल गई, मैदान में उतर के आना है, एक आखिरी मौका है, क्या सोच के जाना चाहिए टीम्स को अंदर ऐसे बड़े एलिमिनेटर मैच के अंदर? देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ब्लैंक माइंड से जाना चाहिए, खाली दिमाग से जाओ कि जाओ बोले देखो, और जो इंस्टिंक्ट आपकी कहती वो करो, मतलब इंस्टिंक्ट पे क्रिकेट खेलो, आप जाओ खाली अपने गाने गुनगुनाते हुए, सुनते हुए, सीटियां बजाते हुए, तो आप शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। सर मेरा भी अभी ब्लैंक माइंड है, और ब्लैंक माइंड में से कुछ सोचने वाला हूँ, बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले उनको बता दूं मैं, छठा सवाल, विच टीम विल बी इलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, विल इट बी बैंगलोर और विल इट बी हैदराबाद? ये सर वन वे रिटर्न टिकट है, और वापसी नहीं है, वो वापसी होगी 5 महीने के बाद जब ये टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा, लेकिन जीत अहम, विच टीम विल लीव, विच टीम विल मूव ऑन, ये होता है अंत हमारे आखिरी सवाल का। देखिए अगर आपको जानना है कि आपका स्कोर कैसा है, तो मैच के बाद अगली सुबह 9 बजे जाइए पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज के ऊपर, और देखिए आपका स्कोर क्या है, कितने आगे जा चुके हैं आप,
और कितने क्लोज टू हैं आप बनना एक लखपति, ये देखते रहिए और जानते रहिए, क्योंकि ये है पावर प्ले विद चैंपियंस। बड़े भाई, मैं कह रहा था आप इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं और आप थोड़ा पता लगा रहे थे मेरा। सर मुझे भी पता है कि अब वीरूपाजी अपनी कुर्सी से उठेंगे, चलेंगे यहां से बाहर, जाएंगे, जाते जाते दो तीन फोटोएं खिंचवाएंगे, फोटोएं खिंचवाने के बाद ये जब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट पे दो तीन मूंगफलियां तो खाकर जाएंगे, क्योंकि रात को मूंगफलियां जरूर खाते हैं। फिर एग्जिट करने के बाद ना किसी को बाय कहेंगे ना किसी को हेलो कहेंगे, क्योंकि फ्लाइट पकड़ के वापस जाएंगे अपनी वाइफ के पास। तो भाई पता तो मुझे भी है और यही है हमारा पता पावर प्ले चैंपियंस का। मिलेंगे आपसे फिर से एक और मैच।